रवाना होने वाले हैं वो भी पैदल। तो गाइस कुछ ही देर में हम रवाना होने वाले जो पैदल जाएंगे और 10 किलोमीटर दूर तक हम चल के जाएंगे पैदल। तो वीडियो में बहुत ही मजा आएगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। गाइस घर पे चलते हैं और फिर कुछ ही देर में हम रवाना होने वाले पैदल चलने। कैन पास्ती कब हो गाइस? रवाना हो चुके हैं गाइस, रवाना हम हो चुके हैं और अब चलेंगे 10 किलोमीटर तक पैदल ही और बहुत ही मजा आएगा। और वीडियो के एंड तक बने रहना गाइस, आप इस सुंदर नजारे का आनंद लेते रहिए। गाइस हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और हम देख सकते हो ये हाईवे आ चुका है और यहाँ से हाईवे शुरू होने वाला है। और गाइस गर्मी आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा गर्मी, आपको दिख रहा होगा सूरज दिख रहा है तो, और यहाँ पर तो आपको पता ही है ज़्यादा गर्मी होती ही है। 1 किलोमीटर और 9 किलोमीटर और बसाए तो हम जाने वाले हैं पैदल यात्रा, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग के साथ में। बाकी बस हम दे दिया थोड़े दूर आने पर गाइस हमें यहाँ पर एक बोर का पेड़ दिखा है, तो देख सकते हो आप यहाँ पर बोर लगे जो कि अभी आपको दिख रहे होंगे कच्चे हैं, अभी तो पूरे पके नहीं है। ये गाइस है राजस्थान में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत जगह पर ये ऐसे यहाँ पर गाइस हाईवे है तो थोड़ा देख गाइज हमको यहाँ पर बोर मिले हैं बहुत ही पक्के हैं, तो एक ट्राई करके बताता कैसे लगते हैं। तो गाइज इस टाइप का होता है पक्का बोर, देखो देखो टेस्ट करता हूँ, टेस्ट मारवाड़ी बोर। हाँ मीठा है तो पैदल आ चुके हैं, अभी आगे बसा होगा 5 किलोमीटर यहाँ से 7 किलोमीटर बसा होगा दूर, और गर्मी भी बहुत हो रही है आप देख सकते हो इन दोनों को। नहीं है नहीं, कुछ नज़ारा आप देख लो गांव के खेतों का। इधर ये इधर आपको एक बहुत ही बड़ा गौशाला देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो गाय बैठी हुई है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखा लेता हूँ, देख सकते हो आप वो, देख सकते हो आप कितने आगे चल रहे हैं, मुझे दौड़ना पड़ रहा है अभी बहुत ही ज़्यादा। रुक जाओ मैं कैसे आपको एक दिखाता हूँ, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली से यहाँ पर आ चुका है अभी कुतुब मीनार, आप देख सकते हो राजस्थान में जो कि थोड़ी ही देर आप इंतज़ार कर लो बस अभी आपको देखने को मिल रहा है। बोलो गाइस, तो हमने कुछ खाने के लिए मसाला लिया, ये चटाका बटाका है, ये आलू सेव है और ये फूली है, मसाला फूली है, बस इतना ही खा लेंगे फिर चलते हैं आगे। तो गाइस मैं आपको बताना भूल गया क्योंकि हम यहाँ से खिमज माता मंदिर जो कि 10 किलोमीटर दूर है वहाँ पर जाने वाले, और उसके बाद उससे आगे एक और है जो कि 5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर भी हम जाने वाले आज, तो उसका मैं आपको अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा वहाँ पर जाने वाले वो, उसका मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा तो आप उसके अंदर देख लेना क्योंकि ज़्यादा लंबा बन जाएगा ब्लॉग, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ज़्यादा बन जाएगा लंबा, इसके लिए गाइस देख सकते हो हमने खा लिया है वेपर्स और अभी हम चलते हैं, फिर आपको आगे और दिखाते रहेंगे मज़ेदार क्लिप्स, तो आप देखते रहना इस ब्लॉग में बने रहना। यहाँ पर आपको दिखा लेता हूँ कि पशुओं को गाइस रोड पशुओं को अंदर फसल्स बसाने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे कांटे वाली थोर होती है वो लगाई जाती है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी होती है देख सकते हो आप, ये पूरे खेत के चारों तरफ की जाती है जिससे कि पशु अंदर ना आ पाए, ये करना बहुत ही देख सकते हो हमें बंदर देखने को मिले हैं।
आपको दिखा सकता हूँ, देख लो। ये देख लो आप, यहाँ पर ये स्कूल है, देख सकते हैं आप, सरकारी स्कूल है यहाँ पर बनी हुई। मंकी फेस्टिवल यहाँ पर मनाया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से भीमा की भाकरी 5 किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हो, 5 किलोमीटर देख सकते हो। अभी हमने गाइज हमने अभी 8 किलोमीटर का तक तय कर लिया है सफर, और आप देख सकते हो सामने भीमाल की वो पर्वत दिख रहा है आपको, खिम्बिज माता का ऊपर देख सकते हो, एक मंदिर बना हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको मंदिर जा कर ही। तो गाइज आ चुके हैं हम सेमरी माँ के मंदिर पे, जो को यहाँ पर मेन गेट बनाया हुआ है, देखो आप पूरा एकदम सही से। गाइज हम फाइनली आ चुके हैं सेमरी माँ के पर्वत पे, जो देखो यहाँ पर आपकी नजर नहीं जा रही है, इतना बड़ा पहाड़ है कि आप पहले नजारे देखो यहाँ के। तो गाइज हम ऊपर चढ़ के अभी मिलते हैं आपको, यह देख सकते हो वहां से इस मंदिर की एंट्रेंस वहां पर है मेन एंट्रेंस, देख सकते हो वो यहां पर गेट दिख रहा होगा आपको, और हम जाके वहां पर, और एक यहां से ही है जो कि सिंपल एंट्रेंस है, और वहां पर बड़ा गेट बनाया हुआ है, तो हम देखते हैं इधर खुला होगा तो यहां से अंदर जाएंगे, वरना वहां से जाना पड़ेगा, वहां से ही जाना पड़ेगा। बंदे ये देखते हैं अभी जाया, देख के आए गाड़ी ऊपर चढ़ाने का है वो देखो उधर, और यहां से अगर पैदल नहीं चढ़ पाते तो यहां से ऊपर गाड़ी भी जाती है जो कि ऊपर पार्किंग बनाई हुई है, देख सकते हो वो टावर दिख, ऊपर एक टावर दिख रहा है वहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है, ये देख लो वो रहा वो टावर वहाँ पर, ये पूरे पर्वत के चारों ओर घूम के ये रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है, तो हमको वहाँ से ही जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस बंद है तो हमको वहाँ से ही जाना पड़ेगा मेन एंट्रेंस से। तो हमें लगे ये गाइज अभी गेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी पूरा बना नहीं है, अभी बन रहा है, इसकी डिजाइन बन रही है अभी, इसको किसके उधर एक और देख सकते हो वो रिक्शा निकला है ना, वहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बन रहा है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है बन के, इसके लिए वहाँ से जाना पड़ेगा। अभी देख सकते हो कितना सुंदर गेट बनाया गया है इस मंदिर का, ये पूरी हाथों से कारीगरी की, और ये आप गेट देख रहे हो, यहाँ पर पत्थर यूज किया गया, जोधपुर का पत्थर आता है ग्रेनाइट, वो यूज किया गया है यहाँ पर इस गेट को बनाने के लिए, और सबसे ऊपर माता जी का मंदिर बना हुआ है सबसे ऊपर। अभी गाइस पैर भी दर्द करने लग गए हैं, तो चलते हैं उस पार, और यहाँ से प्रसादी लेने का है बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ से प्रसादी ले सकते हैं, यहाँ से प्रसादी ले सकते हैं ऊपर जाने माता जी के लिए। यहाँ पर एक और नया गेट आ चुका है, आप देख सकते हो वो एक और गेट है यहाँ से दिख रहा है पहले, फिर वो ये पूरा गेट बन जाने के बाद में यहाँ से सीधा होगा, देख सकते हो यहाँ से वहाँ से यहाँ तक सीधा, देखिए इसके बाद एक बहुत सारे गेट आने वाले हैं एक करके। देख सकते हो कुछ मजेदार सा बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ गार्डन बनाया गया, पहले यहाँ पर गार्डन नहीं था गया, अभी बनाया गया है ये गार्डन, एक और एंट्रेंस आ चुकी है, देख सकते हो सीढ़ियाँ चलनी, यहाँ से अभी सीढ़ियाँ शुरू हो गई है ऊपर चढ़ने के लिए, हम भी थक चुके हैं अभी बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर तक चढ़ना है इसके लिए। यहाँ से आप देख लो ऊपर से नीचे का नजारा, अभी और ऊपर चढ़ना बाकी है, अभी बहुत थक चुके हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो पास में एक तालाब है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरा भर जाता है पर अभी थोड़ा सा खाली है, थोड़ा ही भरा हुआ है अभी, तो देख लो। लगे फटाफट दौड़ता सड़ो, तो
देख सकते हो हम सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको मंदिर दिख रहा होगा और यहाँ से आपको एक मस्त नज़ारा दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये तालाब जो कि पानी से, मैं वहाँ पर जाके आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा ठेट पास में जाके। देख लो यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखता है आपको राजस्थान का। देख लो और वो आगे आपको एक शहर दिख रहा है, वो भीनमाल है। देख लो चुके ऊपर। अब हम आपको दिखा रहे ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा। ये देखो ये गाड़ी पार्किंग होती है यहाँ पे ऊपर। ये देखो छोटे छोटे खेत। तो गाइज हम फाइनली मंदिर के ऊपर देख सकते हो पहुंच चुके हैं और ये पास में ही ये मंदिर है गाइस। बहुत ही सही कबाज। और यहाँ पर देख सकते हो आप बैठने के लिए कुर्सी लगाई गई है किस प्रकार से, देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर ही बैठना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर अंदर मंदिर है पास में और अंदर वीडियो बनाना मना है, तो आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूंगा जो कि बाकी कुछ इस प्रकार से। अंदर मूर्ति आप देख लो, ये माता जी का मूर्ति है। बाकी अंदर वीडियो बनाना मना है, तो गाइस सॉरी इसके लिए। आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है तो आपको कम ही देखने को मिलेगा। अंदर से ऐसा कुछ प्रकार का मंदिर है। तो गाइज अब नीचे दर्शन करके अंदर से बाहर आ चुके हैं, तो अब देख सकते हो इस साइड का कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। देख लो आप गाइज क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। देखो यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है, देख लो। और कुछ इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है। अंदर फोटो को वीडियो बनाना मना था, वरना मैं आपको अंदर से दिखा देता, पर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये तालाब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, अभी इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट में, तो आप उस ब्लॉग को भी देख लेना एक बार, देख लेना। बाकी बाय। आप ऊंचाई का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि देख लो यहाँ पर वो कार दिख रही है, वो आप देख लो कितनी छोटी सी दिख रही है, नज़र आ रही है यहाँ से। ये इतना ऊपर बना हुआ है और आपको वीडियो में थोड़ा सा कम नज़र आ रहा होगा, बाकी बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है ये मंदिर। ये अरावली पर्वतमाला में आता है, अरावली पर्वतमाला में आता है ये। यहाँ पर हवन चलता है तो यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ है, देख लगता है। देख लो आप इस प्रकार से, बहुत ही गर्मी है। योगेश ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।